दोस्तों फैंटेसी गेम्स में जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। खबर ये है कि आने वाले समय में 1 अगस्त से सभी फैंटेसी गेम्स के ऊपर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा और ड्रीम 11 जैसे एप्स में आप जीत कर भी हार जाओगे। तो दोस्तों खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो अब आपको पूरी खबर समझाता हूँ। एक न्यूज सामने आ रही है जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि सरकार सभी फैंटेसी गेम्स के ऊपर 28% जीएसटी लगाने वाली है। सीधा सीधा समझाता हूँ कि अगर आप किसी गेम में 100 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसमें से 28 रुपए आपको सरकार को सिर्फ जीएसटी के देने होंगे। अब आपके पास बचेंगे 72 रुपए। अब मानिए आप 1v1 कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं तो 72 रुपए आपके और 72 रुपए आपके ओपोनेंट के, कुल मिलाकर हुए 144 रुपए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके महज 144 रुपए लग रहे हैं कॉन्टेस्ट में तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अब लगेगा ड्रीम 11 का प्लेटफॉर्म फीस जो कि है 20% का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म फीस क्या बला है, तो आपको बता दो कि प्लेटफॉर्म फीस वही फीस है जिसके बदौलत ड्रीम 11 ने आज टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप खरीद ली है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 20% पैसों से बड़े बड़े करोड़ों की डील्स हुआ करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 144 का 20% हुआ कुछ 28.08 रुपए। अगर आप 144 में से 28.8 को घटाओगे तो बचेगा 115 रुपए और 20 पैसा। सिंपल मैथमेटिक्स हैं। लगाए हैं आपने 100 रुपए, आपके लगे हैं 72 रुपए और आप जीते हैं 115.20 रुपए। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो भाई 15 रुपए तो प्रॉफिट में हूँ ना, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अब आपको पैसे निकालते टाइम TDS देना पड़ेगा, वो भी 30% का भारी TDS। अब इस 15 रुपए का जो प्रॉफिट है, उस 15 रुपए का प्रॉफिट का 30% अगर हम निकाले तो वो होता है समथिंग अराउंड 5 रुपए। तो अब 115.2 में से अगर आप 5 रुपए घटा दे तो कुछ 110 के आसपास की फिगर आती है, यानी कि 100 रुपए अगर आप लगाओगे तो आप जीतोगे 110 रुपए और अगर आप हारोगे तो सब कुछ गवा के बैठ जाओगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको कहा था कि अब आने वाले समय में आप ड्रीम 11 में जीत कर भी हारने वाले हो। तो अब इसका अल्टरनेट क्या है, कैसे आप अब फैंटेसी गेम्स को खेल सकते हैं? अब मैं आपको 3 ऐसे एप्स का नाम बताने वाला हूँ जिसमें आप फैंटेसी गेम्स को खेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन एप्स का प्लेटफॉर्म फीस बहुत ही कम है। ये एप्स हैं चॉइस 11, कुबेरा और 11 चैलेंजर्स। ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करने हैं इसकी चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हैं। जैसे जैसे इन सब न्यूज पे अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको इसी चैनल पर खेल स्टेशन पर अपडेट करते रहेंगे और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।